वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 की क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इफ सेक ऑफ एंगल 4A इज इक्वल टू कोसेक ऑफ एंगल A माइनस 20 डिग्री, वेयर 4A इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। sec 4a किसके इक्वल है? cosec a माइनस 20 के। sec ऑफ एंगल 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ध्यान दें, मैंने जैसे कि पहले इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया था आपको, दोनों तरफ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो उनके एंगल्स भी सेम होंगे, एंगल्स एक्यूट होना जरूरी है, और आपके 10th क्लास में एंगल्स एक्यूट ही मिलेंगे। अगर इफ रूल है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, इफ टेन ए इज इक्वल टू टेन बी, ये हमारे एंगल्स है, कुछ भी हो एक्यूट होने चाहिए, देन ए इज इक्वल टू बी, यानी कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो दोनों तरफ एंगल्स भी सेम होंगे। और कई बच्चे क्या करते हैं, इनको आपस में ऐसे काट देते हैं, गलत है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। और सिमिलरली अगर दोनों तरफ साइन साइन है तब भी ऐसा ही होगा, दोनों तरफ कोस है तब भी ऐसा ही होगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इधर कोसेक है, इधर सेक है, तो आपको क्या करना है, या तो इसको कोसेक बना लो या कोसेक को सेक बना लो। ठीक है, और किसकी हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि हमने किया था। आपको पता है सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में। sec theta, यहां पे देख रहा हूं, since sec theta, ये theta का काम कर रहा है, is equal to cosec 90 minus theta होता है, ये trigonometric ratio of complementary angles है हमारा, cosec 90 minus theta, theta हमारा 4a है, और इसको नहीं चेंज करोगे, दोनों तरफ cosec हो गए ना हमारे। अब cosec से cosec, कई बच्चे क्या करते हैं, दोनों तरफ ऐसे काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, गलत है, मार्क्स कट जाएंगे, कैंसिल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई थोड़ा ही है, ये इसका एंगल है। ठीक है, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। a की टर्म्स कलेक्ट कर लें, इधर हम कॉन्स्टेंट टर्म कलेक्ट कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर दो, इधर आ जाएगा, लेफ्ट में आ गया, 20 प्लस का हो गया, इधर a प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। कितना आ गया 1110 डिग्री इज इक्वल टू 5a, तो a की जो हम वैल्यू निकालेंगे 110 डिवाइड बाय 5, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, कितने में जाएगा 22 पे, ये आ गया हमारा आंसर, a की वैल्यू कितनी आ गई 22 डिग्री। समझ आया भाई? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक्सप्रेस साइन 60 डिग्री 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45। ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस, इसको हमने एक्सप्रेस करने किसकी टर्म्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45, यानी कि हमारा जो एंगल होना चाहिए 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, और ये किस में, 67 और cos 75 में। तो कैसे चेंज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज करना है, साइन साइन 67 को चेंज करेंगे हम, सिर्फ 67 को, 90 में से क्या माइनस करें कि 67 आ जाए, यानी कि 67 का कॉम्प्लीमेंट देखना है। ठीक है, 23 डिग्री, 90 माइनस 23 डिग्री, 75 का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसमें क्या ऐड करें, 90 आ जाए, यानी कि 90 में से 50 माइनस करेंगे, 75 आ जाएगा। हमने सिर्फ एंगल्स को चेंज किया है, अब इस पे लगाओ साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा
साइन थीटा यूजिंग, हमने क्या यूज किया है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा के, और कोस 90 माइनस थीटा होता है हमारा आपने पता है साइन थीटा के। बट दोबारा देख लें, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, थीटा हमारा यहां पे क्या है 23 डिग्री, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा चेंज हो गया हमारा, किसमें चेंज हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल 0 और 45 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी देन शो दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने के दो तीन मेथड है, और एक तो तरीका है लेफ्ट साइड से हम राइट हैंड साइड शो कर दें, और दूसरा मेथड है राइट साइड से लेफ्ट साइड प्रूव कर दें, वो तो एक ही हो गया है समझ सकते हैं आप, और दूसरा तरीका हम करवाने जा रहे हैं, मैं दूसरे तरीके से करवा रहा हूं। देखें वी नो इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, हमें बी प्लस सी कितना आ गया 180 माइनस ए, बी प्लस सी क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये देखें इधर लेफ्ट हैंड साइड देखें बी प्लस सी है इसमें, अगर इसमें ए प्लस सी होता तो ए प्लस सी निकालते हम यहां पे, ठीक है, दोनों तरफ क्या करते दो से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, क्यों किया, क्योंकि मेरा एंगल क्या है बी प्लस सी बाई 2 है, तो दोनों तरफ मैंने 2 से क्या कर दिया डिवाइड, समझ आ गया, यू कैन राइट बी प्लस सी बाई 2, देखो यहां पे ए बाई 2 चाहिए ना तो इसको अलग अलग लिखो, जैसे मान लो हम लिखते हैं 3 माइनस 5 बाई 2, तो इसको आप कैसे लिखेंगे 3 बाई 2 माइनस 5 बाई 2, डिकम्पोज कर लो 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, तो कितना आ गया बी प्लस सी बाई 2 90 माइनस ए बाई 2, समझ आया, समझे बच्चों, अब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में देखो साइन है, ठीक है, तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, कई टीचर्स क्या कहते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय साइन, नहीं, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ साइन लगा दिया, आपको पता है अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों तरफ हम लगा सकते हैं, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई नहीं है ये, आप लिख सकते हो वर्ड में लिखेंगे तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स नहीं बोलेंगे आप, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये इसका एंगल है साइन बी प्लस सी बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, हैंस प्रूव, ठीक है, समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम,